शासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इयं माद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणां इयं सा मोक्षमानानां अयम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपांतरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरण संस्कार पवित्रित मुखान राह। अथ शब्दानुशासनम इस सूत्र की द्वितीय पंक्ति हम देख रहे हैं। कथम अनुशासनम, ये प्रश्न हुआ है जिज्ञासु की ओर से, और ये प्रश्न किस भूमिका में हुआ है, क्योंकि जिज्ञासु को लग रहा है कि शब्दों का अनुशासन किसी भी प्रकार से किया नहीं जा सकता, इसलिए जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है कथम अनुशासनम। तो उसका उत्तर दे दिया, प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणेन, प्रकृत्यादि विभाग की कल्पना के द्वारा सामान्य विशेषवान लक्षण के द्वारा हम अनुशासन करेंगे। तो यहाँ हमने न्यासकार को देखा था, प्रकृत्यादि विभाग कल्पना, इतना हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं, सामान्य विशेषवता लक्षणेन। तो सामान्य विशेषवता लक्षणेन पे न्यासकार कहते हैं करणे एषा तृतीया। ये जो तृतीया है यहाँ पर कहाँ, दोनों शब्दों में, सामान्य विशेषवता में भी तृतीया है, जैसे भगवता है ना, और लक्षणेन में भी तृतीया है, और ये सामान्य विशेषवता तो लक्षण को ही कह रहा है। कैसा लक्षण? सामान्य धर्मों वाला और विशेष धर्मों वाला लक्षण। तो दोनों में समानाधिकरण तृतीया ही है, करण अर्थ में ये तृतीया हुई। सामान्यम च विशेषश्च इति सामान्य विशेषौ, तौ यस्मिन् लक्षणे स्तः तत् सामान्य विशेषवत् लक्षणम्। ठीक हुआ, सामान्यम च विशेषश्च इति सामान्य विशेषौ, यह आपका द्वंद समास हो गया, और फिर बहुव्रीहि किया है, नहीं बहुव्रीहि नहीं किया है, फिर क्या किया है, मत्वर्थ की विवक्षा की है। क्या? मत्वर्थ की विवक्षा की है। सामान्य विशेषौ यस्मिन् स्तः, ठीक है, सामान्य विशेषौ यस्मिन् स्तः तत् सामान्य विशेषवत् लक्षणम्। जिसमें सामान्य है वो सामान्यवत् लक्षण हो गया, जिसमें विशेष है वो विशेषवत् लक्षण हो गया। ठीक है, और जाति में एक वचन तो हम कर ही सकते हैं, तो इसलिए लक्षणम एक वचन में सुनाई पड़ रहा है यहाँ पर। आगे स्पष्ट कर दिया, देखिए, तत्र उत्सर्ग लक्षणम सामान्यवत्। ठीक है, जो भी हमारे अष्टाध्यायी में कैसे सूत्र हैं, जो भी अष्टाध्यायी में उत्सर्ग लक्षण सूत्र हैं, ठीक है, माने सामान्य सूत्र हैं, उन सबको सामान्यवत् लक्षणम ऐसा कहेंगे, और जो अपवाद सूत्र हैं उनको विशेषवत् ऐसा कहेंगे, क्योंकि वो विशेष किसी ना किसी विशेष को लेकर के प्रवृत्त हो रहे हैं ना, एक बड़े समुदाय में से किसी विशेष गुण को लेकर के वो प्रवृत्त हो रहे हैं। जैसे कि अभी उदाहरण दिखाई रहे हैं, आगे देखिए, यथा कर्मण्यण इति, जैसे कर्मण्यण ये सूत्र बनाया, कर्म उपपद हो तो धातु मात्र से क्या हो जाता है, अण हो जाता है, तत्र ही धातुः इत्येतत् कर्मणि इत्येतच्च सामान्यम्। अब इसमें सामान्य क्या है, तो कहा कि देखो कोई विशेष कर्म नहीं गिनाया कि इसी कर्म के उपपद रहते प्रत्यय होगा, सारे के सारे कर्म, कोई भी कर्म उपपद में हो, और इसी तरह से इसी धातु से प्रत्यय होगा ऐसा भी नहीं कहा, किसी भी धातु से अण प्रत्यय हो सकता है ना। तो इस सूत्र में कर्मणि भी और धातुः भी दोनों किसके निर्देशक हैं, सामान्य के निर्देशक हैं। तो ये उत्सर्ग सूत्र हो गया।
कर्म उपपद रहते धातु से अण प्रत्यय हो जाता है। ऐसा नहीं बताए ना कि किस विशिष्ट कर्म के उपपद रहते या किस विशेष धातु से, ऐसा कुछ नहीं कहा, तो अण प्रत्यय हो जाएगा सामान्यतः। तत्र ही धातोः इत्येतत् कर्मणि इत्येतत् च सामान्यम्। अपवाद लक्षणम् विशेषवत्। और अपवाद लक्षण जो सूत्र है उस वो कैसा होता है? विशेषवत्, वो विशेष धर्म वाला होता है। यथा आतोनुपसर्गे कह इति, जैसे कि क्या सूत्र हो गया, आतोनुपसर्गे कह। अब ये सूत्र क्या कहता है? कर्म उपपद रहते अनुपसर्ग जो आकारांत धातुएं हैं उनसे, उनसे तो क हो जाता है। अब कर्मण्यण के विषय में से ही इसने कुछ विशेष धातुएं पकड़ ली ना। उन्होंने कहा था जिस किसी भी धातु से अण हो जाएगा। इन्होंने कहा कि नहीं, अगर धातुएं आकारांत हैं तो आकारांत है और अनुपसर्ग धातुएं हैं तो कर्म उपद रहते उनसे क्या होगा? क। तो ऊपर वाले में से कर्मण्यण के विषय में से ही कुछ विषय इसने ले लिया। इसने विशेष धर्म का निर्देश किया ना, धातुओं का विशेष धर्म निर्दिष्ट किया कि धातुएं कैसी होनी चाहिए, आकारांत ही होनी चाहिए, अनुपसर्ग ही धातुएं होनी चाहिए, तब उनसे क्या होगा? क प्रत्यय हो जाएगा। अत्र आत इत्येतद् अनुपसर्ग इति च विशेषः। ठीक है, आतनुपसर्गी कह सूत्र को हम कैसा सूत्र बता रहे हैं? विशेष वल लक्षणम ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, कि ये विशेष धर्म से युक्त लक्षण है, अर्थात अपवाद सूत्र है। कैसा सूत्र है? अपवाद सूत्र है। तो अब कोई कहे कि इसमें विशेष क्या है, तो उसको स्पष्ट किया, अत्र आत इत्येतद् अनुपसर्ग इति च विशेषः, कि यहाँ पर आत ये पद और अनुपसर्ग ये पद दोनों विशेष धर्मों के वाचक हैं। आगे देखें, तत्र सामान्यवता लक्षणेन प्रकृत्यादि विभाग परिकल्पनया कुंभकारः कांडलावः शरलावः इत्येवमादिकं महान्तं शब्दौघं प्रतिपद्यते। कहते हैं तत्र सामान्यवता लक्षणेन, सामान्यवान लक्षण के द्वारा, सामान्य धर्मों वाला जो लक्षण है उसके द्वारा, प्रकृति आदि विभाग कल्पनया, प्रकृति आदि विभाग कल्पना करते हुए, कुंभकारः कांडलावः शरलावः इत्येवमादिकं महान्तं शब्दौघं प्रतिपद्यते। ये सारे इसके उदाहरण है ना, कुंभकारः कांडलावः शरलावः किसके उदाहरण है? कर्मण्यण के। कुंभम करोति इति कुंभकारः, कांडम लुनातीति कांडलावः, शरम लुनातीति शरलावः। अब आप लोग सिद्धि तो जानते नहीं होंगे इनकी, नहीं ना? ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे इन तीनों शब्दों में अण प्रत्यय हुआ है। ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? कर्मण्यण के उदाहरण हैं। तो कर्मण्यण से ऐसे ऐसे हजारों शब्द बन सकते हैं। ठीक, तो इसलिए वो उत्सर्ग सूत्र हो गया। इत्येवम आदिकम महान्तम शब्दौघम प्रतिपद्यते माने इसी प्रकार के अन्य भी बहुत सारे शब्द राशि को ये अध्येता जान जाता है सामान्य सूत्र के माध्यम से, उत्सर्ग सूत्र के माध्यम से। और विशेषवता तु पार्श्वनित्रह गोदह कम्बलदह इत्येवम आदिकम। और जो विशेषवान सूत्र है कौन सा? आतनुपसर्गे कह, उसके ये उदाहरण है पार्श्वनित्रह गोदह कम्बलदह आदि। तो विशेष वत जो सूत्र है हमारा, उसके द्वारा हम पार्श्वनित्रह गोदह कम्बलदह आदि जो विशेष लक्ष्य हैं उनको समझते हैं। एवं अन्यत्रापि वेदितव्यम, इसी तरह से अन्यत्र स्थलों में भी जानना चाहिए। अन्यत्र माने ये तो उत्सर्ग और अपवाद का केवल एक स्थल दिखाया ना, ऐसे ही और भी बहुत है उत्सर्ग अपवाद के, और भी अष्टाध्यायी में खूब सारे स्थल हैं। तो सब जगह यही स्थिति समझनी चाहिए कि हम सामान्य लक्षणों में और विशेष लक्षणों में, फिर पुनः उनकी सहायता से और प्रकृति आदि विभाग परिकल्पना के द्वारा बहुत सारे शब्दों को एक साथ जान सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बात
अथ शब्दानुशासनम पे न्यासकार के द्वारा कही गई। अब वापस आइए पद्मंजरीकार को देखते हैं। कथम अनुशासनम प्रकृत्यादि विभाग कल्पनया सामान्य विशेषवता लक्षणीन। इसी पंक्ति पर हम पद्मंजरीकार को देख रहे हैं। नन वनवाख्याने प्रतिपद पाठोभ्युपायः। ये बात हम न्यासकार की दृष्टि से भी देख चुके हैं, लगभग वही बात है। जिज्ञासु कहता है, क्या कहता है, जो कथम अनुशासनम बोल रहा है ना, जिज्ञासु प्रश्न पूछ रहा है, वही यहाँ पर बोल रहा है। नन वनवाख्याने प्रतिपद पाठोभ्युपायः कि अरे भाई, अनवाख्यान में तो प्रतिपद पाठ को स्वीकार करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, और अगर हम प्रतिपद पाठ को अपनाएंगे तो क्या होगा, तत्र अनवाख्याने त्रयः प्रकारः। वहां पर उस विषय में हम ऐसा कह सकते हैं कि अनवाख्यान में तीन प्रकार हैं। कैसे, शब्दाप शब्द उभय उपदेश भेदेन। देव धैर्य जी, ये बात कल भी आई थी है ना, आप बताओ जरा इसको क्या समझे हो। हम लोक में साधु शब्दों का मतलब उच्चारण कर करके लोगों को बता सकते हैं, या फिर असाधु शब्दों का, या फिर दोनों का ही उच्चारण कर करके बता सकते हैं। तो ऐसे हम लोक में साधु असाधु शब्दों को पहुंचा सकते हैं, जो वैदिक शब्द उनको पहुंचा सकते हैं। आप बताओ देवीरा जी। न्यासकार ने बताए थे कि, अब ध्यान से सुनो है ना, ध्यान से सुनिए, कि जो साधु शब्द है या तो उनका संसार मतलब संसार में लोक में उसका उपदेश दे, या फिर असाधु शब्दों का, या लोक में, लोक में क्यों बोल रहे हो, इस शास्त्र की बात हो रही है। आचार्य को शास्त्र बनाना है ना, आचार्य को क्या करना है, शब्दों का शास्त्र बनाना है आचार्य को, ठीक है। तो शब्दों का उपदेश करना है आचार्य को, अर्थात उनका शास्त्र बनाना है। तो ये बात की जा रही है कि आचार्य अपने शास्त्र में क्या बताएं, साधु शब्दों को पढ़ के बताएं या फिर असाधु शब्दों को पढ़ के बताएं, या फिर दोनों को पढ़ें। देखो अभी तो महर्षि पाणिनि जी ने क्या बनाया है, अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी में शब्द थोड़े पढ़े, अष्टाध्यायी में क्या पढ़ा है, सूत्र पढ़े, क्या पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है। लेकिन जिज्ञासु अभी इस बात को जानता नहीं, महर्षि पाणिनि जी जो अध्येता को, पढ़ने वाले व्यक्ति को शब्द सिखाएंगे, वो कैसे सिखाएंगे, ठीक है, उसको नहीं पता कि आचार्य सूत्र के माध्यम से हमें शब्द सिखाने वाले, और आचार्य जो है वो धातु पाठ बना के, गण पाठ बना के, उणादि कोश बना के हमें शब्द सिखाने वाले हैं, ये अभी किसको नहीं पता, जिज्ञासु को नहीं पता है ना। जो अध्येता है उसको, जो व्याकरण शास्त्र से परिचित नहीं है, उसको तो यही पता है कि लोक में बोलते हैं रामः पुस्तकं पठति, तो वो सोच रहा है आचार्य ऐसे अलग अलग बोल करके बताएंगे, रामः शब्द साधु होता है, रामौ साधु होता है, पुस्तकं साधु होता है, पठति साधु होता है, गच्छति साधु होता है, ऐसे सारे शब्द एक शास्त्र बनाएंगे आचार्य, और उसमें सारे जो शुद्ध शब्द है ना उनको एक एक करके पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ऐसा शास्त्र बनाएंगे, ऐसे सोच रहा है जिज्ञासु, ठीक है। तो वो कल्पना करता है अपनी, अभी उसको ये नहीं पता कि महर्षि पाणिनि जी कैसे करवाने जा रहे हैं, ये तो आंसर देंगे तब पता चलेगा ना उसको, अभी तो वो केवल लोक व्यवहार की भाषा से परिचित है। तो उसके अनुसार वो सोचता है कि महर्षि पाणिनि जी या तो शब्दों का उपदेश करने के लिए ये वाला तरीका बनाएंगे कि अपने शास्त्र में सारे साधु शब्दों को पढ़ देंगे, या फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे कि साधु को तो नहीं पढ़ा लेकिन असाधुओं को सबको पढ़ दिया, तो जब असाधुओं को पढ़ दिया तो उससे जो अतिरिक्त बच गए वो साधु हैं, ऐसा पढ़ने वाला व्यक्ति अपने आप समझ लेगा। या फिर तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आचार्य अपने ग्रंथ में दोनों पढ़ेंगे, साधु शब्द भी पढ़ेंगे और असाधु शब्द भी, माने अशुद्ध शब्द भी पढ़ देंगे, ठीक है। ये जिज्ञासु के मन में कल्पना आ रही है, और इस कल्पना के आधार पे वो सोचता है कि अच्छा ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते, फिर तो आचार्य का शास्त्र ही पूरा नहीं बनेगा कभी। क्यों? क्योंकि शब्द कैसे हैं, अनंत हैं, खत्म होने को ही नहीं आएंगे। साधु शब्द भी पढ़ने लग जाएं एक एक करके तो वो खत्म होने में ही नहीं आएंगे, इतना विशाल विशाल ग्रंथ हो जाएगा तो भी खत्म नहीं होंगे। उसी के लिए तो कल कहानी सुनाई थी ना, एक आख्यान, कि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने इंद्र, देवराज इंद्र को साधु शब्द सुनाने शुरू किए एक एक करके, एक एक करके, और कब तक सुनाए,
1000 दिव्य वर्षों तक, 1000 देवताओं के जो वर्ष होते हैं तब तक सुनाए, लेकिन फिर भी साधु शब्दों का पारायण भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए जिज्ञासु सोचता है कि ये जो पहला उपाय है ये तो कारगर नहीं है, आचार्य इतना बड़ा शास्त्र कैसे ही बनाएंगे, शास्त्री नहीं बनेगा, और बन भी जाएगा तो उसको पढ़ेगा कौन। दोनों ही चीजें असंभव है, बनना भी असंभव और उसको पढ़ना जानना भी असंभव। और फिर जो दूसरा उपाय है क्या, कि आचार्य शायद असाधु शब्दों का, अशुद्ध शब्दों का संकलन कर दें, तो कहते हैं कि ये तो पहले से भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि एक एक साधु शब्द के कई कई सारे अपभ्रंश शब्द हो सकते हैं, अशुद्ध शब्द हो सकते हैं, है ना। एक एक शब्द को कोई कोई व्यक्ति जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से गलतियां करके बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, उनके अलग अलग रूप हो सकते हैं अपभ्रंश। तो ये जो दूसरा काम है कि आचार्य असाधु शब्दों का संकलन करें, उनको पढ़ें, जिससे कि असाधुओं को छोड़ करके हम अन्य साधु है ऐसा समझ ले। ये कहते हैं कि ये तो पहले से भी और कठिन कार्य है, असंभव है। और तीसरा क्या कहा, कि दोनों को पढ़ दो, तो वो तो और ज्यादा कठिन की श्रेणी में हो गया, और ज्यादा असंभव की श्रेणी में आ गया। तो ये तीनों ही काम नहीं किए जा सकते, है ना। इस प्रकार से तो आचार्य शब्दों का ज्ञान हमें नहीं करा सकते। तो इसलिए जिज्ञासु के मन में चूंकि इतनी ही बात आई थी कि शायद ऐसा करेंगे, ये तीन ही उपाय हो सकते, या तो साधु शब्दों को पढ़ें, या तो असाधु शब्दों को पढ़ें आचार्य अपने शास्त्र में, या तो दोनों को पढ़ें, लेकिन ये तीनों ही बातें तो संभव नहीं है, ये तीनों ही बातें संभव नहीं है। क्यों, हेतु क्या है, अनंत्याच्य शब्दानाम। न्यासकार ने कल कहा था ना, अनंत्याच्य शब्दानाम स सर्वथापि असंभवः। शब्द चूंकि अनंत हैं, तो इस प्रकार का उपदेश तो नहीं किया जा सकता, ना तो साधु शब्दों का उपदेश किया जा सकता है प्रतिपद पाठ के रूप में, ना ही असाधु शब्दों का प्रतिपद पाठ किया जा सकता है, और दोनों का तो कथमपि संभव नहीं है। अस्तु, ये इतनी बात हुई। तो ये किसके लिए बात हो रही है, लोक के लिए नहीं, किसके लिए, शास्त्र के लिए, कि आचार्य शास्त्र कैसा बनाएंगे, ये कल्पना कर रहा है जिज्ञासु। आचार्य को अपने शास्त्र में शब्दों का अनुशासन करना है ना, वो कैसे करेंगे, साधु शब्दों को पढ़ के बताएंगे कि असाधु को पढ़ के बताएंगे कि दोनों को पढ़ के बताएंगे। और जिज्ञासु को ऐसे लग रहा है कि इन तीनों में से तो कोई संभव है ही नहीं, ये तीन ही तरीके थे और इनमें से कोई संभव है नहीं। तो इसलिए अब वो उलझन में फंस करके पूछता है, कथम अनुशासनम, कि हमें तो ये शब्द अनुशासन रूप कार्य बिल्कुल सर्वथा असंभव दिख रहा है, इतने विशाल शब्द राशि को कैसे आप बताएंगे, किसी को कैसे समझाएंगे, अध्येता का परिचय उससे कैसे कराएंगे, हमें ये कार्य कैसा दिख रहा है, असंभव दिख रहा है। तो आप ही बताइए, कथम अनुशासनम, कैसे करेंगे अनुशासन। ठीक है, तो फिर उसका उत्तर दिया कि हम अनुशासन ऐसे नहीं करेंगे एक एक शब्द पढ़ करके, कि साधु शब्द एक एक पढ़ दिए, कि असाधु शब्द एक एक पढ़ दिए, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा करना शक्य ही नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं हम फॉर्मूला बना देंगे, उस एक ही फॉर्मूले से बहुत सारे साधु शब्दों को जान लेंगे, है ना, सूत्र बना देंगे, सूत्र बना देंगे, तो सामान्य सूत्रों से बहुत बहुत सारे लक्ष्य सिद्ध हो जाएंगे, और विशेष सूत्रों से भी बहुत सारे लक्ष्य सिद्ध हो जाएंगे। तो एक छोटे छोटे सूत्र के माध्यम से ही हम बहुत बड़ी बड़ी शब्द राशि को जान पाएंगे, इस तरह से हम अध्येता को शब्दों का शब्द ज्ञान करा पाएंगे, और इस तरह से हम शब्दों का अनुशासन भी कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं ये कितना मुश्किल काम है, शब्दानुशासन करना कोई सरल काम नहीं है। कोई हमें कहे किसी भाषा के लिए, ये जो इतनी विशाल भाषा है इसको आप जो है वो सिखाओ, किसी को सिखाने का तरीका बनाओ, तो ये बिल्कुल भी सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और इसीलिए पाणिनि अष्टाध्यायी को अभी तक भी मनुष्य मस्तिष्क की सबसे उत्तम रचना माना ही जाता है। तो अब थोड़ा स्पष्ट हुआ, चलिए देखिए, जिज्ञासु पद्मंजलिकार को हम शुरू से देख रहे हैं एक बार। नन्वन्वाख्याने प्रतिपद पाठोभ्युपेयः, पद्मंजलिकार क्या कहते हैं कि अरे भाई, शब्दों के अन्वाख्यान में तो प्रतिपद पाठ ही उपाय है। अभ्युपाय और उपाय एक ही अर्थ है, ठीक है, प्रतिपद पाठ करना ही उपाय है। तत्र अन्वाख्याने त्रय प्रकारः, तो फिर
वैसी स्थिति में कि जब हम प्रतिपद पाठ करके ही अध्येता को ज्ञान करा सकते हैं, तो शब्दों के अनुवाख्यान में तीन प्रकार हो सकते हैं। एक हो सकता है शब्दों का उपदेश, एक हो सकता है अपशब्दों का उपदेश, और एक हो सकता है उभय उपदेश। ठीक है, दोनों का उपदेश। शब्देषु हि उद्दिष्टेषु गम्यत एतत् अतोन्ये अपशब्दायति। कह रहे हैं कि शब्देषु हि उपदेष्टेषु, माने शब्दों का उपदेश कर देने पर, और शब्द से यहाँ पे अभिप्राय है साधु शब्दों का उपदेश कर देने पर। ठीक है, शुद्ध शब्द हमने आपको बता दिया, तो फिर गम्यत एतत् अपने आप ही हम समझ जाएंगे, अतोन्ये अपशब्दाः इति। ठीक है, अतो जैसे रामः पुस्तकम् पठति, इस वाक्य में बता दिया कि रामः ही साधु शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके स्थान पे और कुछ भी जो भी बोला जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपशब्द हो जाएगा। शब्देषु ही उद्दिष्टेषु, गौः ही साधु शब्द है ये बता दिया, तो गावी गोणी आदि अपने आप अपशब्द समझ लिए जाएंगे, लोक में जो प्रचलित हैं उसी अर्थ में। ठीक, तो एक बात ये हुई, शब्देषु ही उपदिष्टेषु गम्यत एतत्, शब्दों के उपदेश कर दिए जाने पर ये बात जान ली जाती है, अतो न्यपशब्दायति, कि इससे अन्य क्या है, अपशब्द है। यथा पंच पंच नखा भक्ष्या इति, जैसे कि पांच पांच नख वाले प्राणी भक्ष्य हैं। ठीक है, पंच पंच नखाः भक्ष्याः, पांच नख वाले पांच प्राणी भक्ष्य हैं। ये इसका अभिप्राय मैंने आपको पहले बता दिया था, है ना, उल्टा नहीं समझना। भक्ष्य नियमाद अन्य भक्ष्या इति गम्यते, तो यहाँ पे क्या समझा जाता है कि चूंकि भक्ष्य का नियम कर दिया, इसलिए इसके अतिरिक्त जो भी है वो सारे सर्वथा अभक्ष्य है, ये समझा जाता है। उसी प्रकार से साधु शब्द का उपदेश कर दिया, इसके अतिरिक्त जो भी है वो क्या है, असाधु शब्द है, ये समझ लिया जाएगा। ये पहली बात पूरी हुई, पहला पक्ष। ठीक, साधु शब्दों का आचार्य ने उपदेश कर दिया और उन्हीं की सहायता से हम समझ लेंगे कि इसके अतिरिक्त जितने भी हैं वो असाधु शब्द हैं। दूसरा पक्ष देखिए, दूसरा पक्ष क्या था, पहला पक्ष है शब्दोपदेश, क्या है बोलिए, शब्दोपदेश, और दूसरा पक्ष क्या है, अपशब्दोपदेश, क्या, अपशब्दोपदेश, और तीसरा पक्ष क्या है, उभय उपदेश, क्या है, उभय उपदेश। तो पहले पक्ष की बात हो गई ना, कि शब्दोपदेश करेंगे तो अपने आप ही अर्थापत्ति से अपशब्द जान लिए जाएंगे। अब दूसरा पक्ष कहते हैं, तथा अपशब्दोपदेशी अपि अन्ये सुशब्दायति गम्यते, उसी प्रकार से अपशब्दोपदेशे, अपशब्दों का यदि उपदेश कर दें आचार्य, अपशब्दों का उपदेश कर दें माने असाधु शब्दों को पढ़ के बता दें शास्त्र में कि ये असाधु शब्द हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, तथा अपशब्दोपि अन्य सुशब्दायति गम्यते, उसको छोड़ करके, अपशब्दों को छोड़ करके उससे जो भिन्न शब्द हैं वो साधु शब्द हैं, इति गम्यते, ऐसा समझ लिया जाएगा। ये दूसरी बात स्पष्ट हुई, उदाहरण दे करके समझा दें, यथा अभक्ष्यो ग्राम कुक्कुटः, क्या बोला, अभक्ष्यो ग्राम कुक्कुटः इत्युक्ते आरण्यो भक्ष्यः इति गम्यते,